थी। छत्तीसगढ़ में भी 74वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक संबल दिया है, जिन्होंने अपने परंपरागत साधनों से पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता था। इस तरह 4,66,000 से अधिक लोगों को उनके जीवन यापन के लिए लगभग 327 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में ध्वजारोहण किया। अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में श्री बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। राज्य के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिए आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन की घोषणा भी की है। एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई सुविधाओं की घोषणा की है। अपने संबोधन में उन्होंने इन घोषणाओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि इससे राज्य में नए रोजगार के सृजन के साथ ही प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी परिवार सहित उपस्थित थे। बेमेतरा में भी 74वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित परेड में संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का जनता के नाम दिए संदेश का वाचन किया। गरियाबंद में नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। नए जिले खैरागढ़ में भी पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने नक्सली हमलों में शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया।
कोरबा में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित कई गणमान्य नागरिक और अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने रामानुज मिनी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान शहीद परिवारों के सम्मान सहित आकर्षक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रदेश के अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कुल 106 पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। ओआरएस के जनक दिलीप महाल नोबिस को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में प्रमुख हस्तियां हैं कुमार मंगलम बिड़ला, सुधा मूर्ति और पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। कुल 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। घोषित किए गए कुल 91 पद्मश्री सम्मान में स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला, शिक्षाविद आनंद कुमार और फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के नाम शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कारों के लिए छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों का चयन किया गया है, जिसमें बालोद के ग्राम लाटाबोड़ निवासी डुमार सिंह कंवर, कांकेर के अजय मंडावी और पंडवानी गायिका उषा बारले हैं। ये पुरस्कार अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। ऋतुराज बसंत के आगमन और मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस का पर्व बसंत पंचमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार आज के दिन कई शुभ कार्य बिना मुहूर्त के शुरू किए जाते हैं। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे आज के इस दिन को प्रकृति से भी जोड़ा जाता है, जो हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हम पर्वों को प्रकृति के साथ जोड़कर चलते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो आज ही के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा विश्व में भारत की पूछ परख बढ़ी। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर लोगों ने देखी देश के विकास की झलक। छत्तीसगढ़ में भी 74वें गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन। राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की धूम। और सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार पद्मश्री से हुए सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।